हाय गाइस, तो पिछला वीडियो आप लोग देख चुके हो। सो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ पार्वती हिल्स में। सो, इस वीडियो में मैं ऐसी डिटेल्स कवर करने वाला हूँ जो पिछले वीडियो में मैं कवर नहीं कर सका था। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो। सो, चलो चलते हैं फिर से पार्वती हिल्स की सैर करने। तो गाइस, किसी भी रिसॉर्ट में हम लोग जाते हैं तो मस्ती के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो आप लोग जैसा कि पीछे देख सकते हो, कितना प्यारा सा यहाँ पे स्विमिंग पूल है। और मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ स्विमिंग पूल से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है पानी से। तो देखो, ये है फर्स्ट स्विमिंग पूल। एंड पीछे आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। सो, वो सब चीज़ें, वो सब जगह, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ बने रहिए। गाइस, ये है स्विमिंग पूल के बाहर का चेंजिंग रूम। ही शी मतलब ये फीमेल्स के लिए, वो मेल्स के लिए। एंड जो दूसरा स्विमिंग पूल है वो है यहाँ। देखो, आप लोग देख सकते हो, ऐसा लोकेशन मुझे अभी तक और कहीं नहीं देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे पेड़ लगे हुए हैं। एंड साथ ही में बच्चे हैं, अगर उनको मस्ती करनी है तो उसके लिए ट्यूब्स भी है, स्विमिंग ट्यूब्स। आप लोग आराम से रिलैक्स हो सकते हो नहाने के बाद। यहाँ पे आप लोग आराम से रिलैक्स होके बैठ सकते हो। ये मेरा भाई है, ये कुछ ज़्यादा इंजॉय करने वाला है। मोटे हाय कह दे। ये देखो, पत्थर भी है। ये फैंसी तो नहीं है, ये ओरिजिनल है। और यहाँ पे फोटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। स्विमिंग पूल के कोने से ऐसा नज़ारा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत रेयर रेयर जगहों पे होता है। और वहाँ सब में हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हो, वहाँ सब में हम लोग चल सकते हैं। सो गाइस, ये जगह बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है अगर आप लोग वन डे पिकनिक के लिए आते हो। वो मेरा भाई है जिशान, नौमान भाई है। इंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। अभी हम लोग वो सब एरिया भी कवर करने वाले हैं, ये सब हम लोग घूमेंगे अभी। नौमान भाई चढ़ चुके हैं, मेरा भाई चढ़ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जिशान भाई भी वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। हम सफारी राइड से अभी जाएंगे एडवेंचर पार्क, और वहाँ का सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। फाइनली हम लोग आ चुके हैं तो एडवेंचर पार्क। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी है जो करने लायक है। एंड वो भी स्प्लिट की हुई है बच्चों के लिए, और बाकी वो जो है, जो खतरनाक खतरनाक सी दिख रही है, वो सब मतलब यंगस्टर्स के लिए है। और यहाँ पे फुल सेफ्टी के साथ हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। सो जाते हैं, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं। आ साइड बड़ी लोड ऑफ एक्टिविटीज है, वन बाय वन करवानी। आने अंदर कोई सेफ्टी नहीं, जरूर नहीं। आई थी स्टार्ट करवानू फर्स्ट लेवल बर्मा ब्रिज, नेक्स्ट कमांडर नेट, पछी टायर जिगजैग बैलेंसिंग, लोड ऑफ कम्प्लीट थाय पछी आपणे जवानू हाई रोप नी अंदर। एनी अंदर बॉडी हार्नेस, आगर पास सीलिंग आवशे। ओके, तमारी पूरी बॉडी नी सेफ्टी आनी अंदर आवशे। तमे नीचे ना पड़ी जाओ, लटकी जाओ। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, आखा टावर नी अंदर 24 एडवेंचर छे। थाय करवानू, ना थाय तो नीचे आई जाओ फर्स्ट लेवल थी। ओके, ट्राय करवानू, जेटलू देखाय एटलू ईजी नथी आ। ओके,
थैंक्स। इसमें सबसे हार्ड वाला पार्ट कौन सा है इन तीनों में से? थर्ड लेवल। उसमें ऐसा क्या है तो हार्ड है वो? पूरी बॉडी का वेट है, जब फर्स्ट सेकंड करते हो आपकी पूरी स्टेमिना इसमें भी खत्म हो जाता है। ओके, थर्ड थोड़ा डिफिकल्ट होता है ज्यादा। अच्छा, इसलिए जी। आपको कैसा लगा? बस ये सब में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ। पिछली बार मैं गुज्जू राइडर के साथ आया था, हाँ। ये पार्ट टू है और इसमें भी बहुत मजा आया। हाँ। एंड वो जो थर्ड लेयर है वो मैंने बहुत अच्छे से पार कर लिया। इस बार भी पार किया, उस टाइम भी मैंने क्रॉस कर लिया था। इसमें आपको कौन सा लेवल हार्ड लगा? इसमें थर्ड लेवल में सबसे ज्यादा हार्ड था। हाँ। एक डिस्क वाला आता है जो जहाँ पे नॉर्मल वाइफ फंसे, लास्ट वाला प्लेट। हाँ। हाँ। वो ब्लेड वाले में मैं फंसा नहीं लेकिन हाँ। वो बहुत ज्यादा हार्ड था। हाँ। और नीचे भी एक दो चीजें हुए, एक तो टायर वाला एक होता है वो भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो वहाँ पे बैठे बैठे आप लोग। सबसे इजी कौन सा लेवल लगा आपको? सबसे इजी में तो लेवल अगर मेरी बात करो हाँ। तो थर्ड वाला मेरे को सबसे इजी, नहीं सबसे इजी तो नहीं लगा, सबको सबसे इजी कौन सा लगा? हाँ, सबसे इजी सेकंड लेयर। सेकंड लेयर भाई बहुत ज्यादा मजा आया। ये हमारे सेफ्टी के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की एंड बहुत ही ज्यादा मजा आया। अनएक्सपेक्टेडली बहुत सही ट्रीटमेंट मिली। और आप लोग वहाँ से वीडियो देख रहे हो, वीडियो मत देखो, यहाँ पे आओ, एडवेंचर दिखा दो। हाँ। ये सब एडवेंचर है। ये भाई कर रहे हैं, हमारे नौमान भाई अभी थर्ड लेयर जस्ट कंप्लीट ही कर रहे हैं, लास्ट है, लास्ट लेयर है। तो भाई बहुत ज्यादा मजा आया आपसे मिलके। आप लोग आओ, इनसे मिलो, और सेफ्टी फर्स्ट है ना? सेफ्टी फर्स्ट। हाई रूप में तो सेफ्टी फर्स्ट है, लो रूप में सेफ्टी की जरूरत नहीं है। ये भैया ने ना मेरे को घुसने ही निकालने दिए। चलो भैया, मजा आया। हम लोगों को दो इंस्ट्रक्टर्स चाहिए थे, ये थे हमारे लोअर लेवल में, इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की हमारी, और वो भैया तो थे ही थे। कैसा लगा? मजा आया ना? और आप लोग, आप कुछ कहना चाहते हो उन लोगों से? हाँ, तो आप लोग प्लीज जरूर जरूर आना, एंड थैंक्स, आपने बहुत ज्यादा मदद की हमारी।
मैनेजर, तो हम लोग यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो यहाँ पे और क्या क्या चीजें आप अरेंज करवा के दे सकते हो? जैसे लोग, बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि अगर हम लोग को बर्थडे पार्टीज करनी हो, या तो जैसे प्रपोज करना हो, रिंग सेरेमनी हो, या तो फिर शादी के लिए अगर जो फैमिलीज मिलती है ना, उस टाइप का कुछ अरेंजमेंट्स आप अरेंज करके देते हो? हाँ बिल्कुल, अगर आपको शादी पार्टी हो गया और बर्थडे पार्टी हो गया, ये सब के लिए आप आ सकते हैं। रिंग सेरेमनी हम मैरिज भी करवाते हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारे लोग आते हैं वेडिंग एनिवर्सरी के लिए लोग आते हैं। बाकी तो आपने कवर कर ही लिया, एडवेंचर पार्क, जीप सफारी और फूड वगैरह सब तो कर ही लिया आपने कवर, और वही है बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी और ये सब चीज़ें हम करवाते हैं। ओके जी। एंड एक और बात मैं पूछना चाहता था, जैसा मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो बच्चे हैं उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, ये एक्टिविटीज़ इन द सेंस डांस, म्यूजिक, ये सब, तो ये सब सच है? हाँ बिल्कुल, हम टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। अगर कोई बड़े ग्रुप में आ रहा है, कॉर्पोरेट ग्रुप आ रहा है, तो उसको टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कराते हैं। बच्चों के लिए हमारे पास जैसे 2 स्विमिंग पूल भी हैं, डीजे है, और टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में ग्रुप एक्टिविटी होती है, लोग डांस करते हैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं उनको पूरा करना होता है, तो 1-2 घंटे का जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी होती है उसमें बहुत इंजॉय करते हैं। एडल्ट भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है टीम बिल्डिंग, और एनर्जाइजर बोलते हैं उसको, उसमें बहुत मजा आता है। वो अभी तक कहीं किसी वीडियो में नहीं देखा होगा आपने कि कर रहे हैं, और वो भी करवाते हैं। हाँ, जैसे वो चाइनीज मिस्ड कॉल या उस टाइप की, उस टाइप के छोटे छोटे गेम्स, पासिंग द बॉल और सब ना। हाँ जी, एनर्जाइजर में होता है कि मैं कुछ बोलता हूँ और आप वो एक्शन करते हैं, डांस होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। डमसड़ाज एंड अंताक्षरी भी मैंने सुना है यहाँ पे होता है। बिल्कुल, हम लोगों ने ट्राई भी किया अभी, इसलिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और बाकी देखने के बाद आप भी आइए, चेक करिए जो आपने वीडियो में देखा वो सब यहाँ पे है और कैसा है, इससे बेहतर है, तो आप भी अपना फीडबैक बाद में दे सकते हैं। जी, वहाँ बैठे बैठे वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज यहाँ पे आना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक करो वीडियो को। सो बाय गाइस, आपको मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।